बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बिल्ली चली देश घूमने। बिल्ली चली देश घूमने। एक छोटा सा शहर था, वहां पर बहुत सारी बिल्लियां एक बस्ती में रहती थी और वो बस्ती यमुना नदी के किनारे पर थी। देखो ये क्या है, बिल्ली। और वो कहाँ रहती थी, यमुना नदी के किनारे एक बस्ती में। वो सारी बिल्लियां मिलकर बहुत मजे करती थी। वो सब मिलके खूब खेलती थी, खाती थी, पीती थी और नदी में से मछली निकाल निकाल कर मजे से खाती थी। एक दिन वहां पर एक बहुत बड़ा जहाज आ गया और जिसको देखकर ये बिल्लियां डर गई। आप भी बड़ी सी चीज को देखते हैं तो डर जाते हैं ना, तो ये बिल्लियां इस बड़े से जहाज को देखकर डर गई। फिर जहाज में से एक अनाउंसमेंट हुई, एक आवाज आई कि मुझसे डरो मत, मैं तो आपका बस्ती देखने आया हूँ। अगर आप मुझे इस बस्ती में घुमाओगी तो मैं आप सबको बहुत सारे देशों में घुमाऊंगा, इस जहाज में बिठाकर नए नए रंग बिरंगे देशों में घुमाऊंगा। तो बिल्लियां खुश हो गई। तो बच्चों फिर क्या हुआ, फिर ये बिल्लियां मिलकर उन जहाज में बैठे लोगों को अपनी बस्ती में ले आई और सबको अपनी बस्ती में घुमाया और उन्हें बहुत ही अच्छा अच्छा खाने को दिया। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उनको घुमाते हो और अच्छा अच्छा खाना देते हो ना, ऐसे ही इन बिल्लियों ने भी किया। और फिर अगले दिन सुबह बिल्लियां इस जहाज में बैठ गई और दूसरे देश घूमने के लिए चली गई। और वहां उन्होंने बहुत सारे पहाड़, झरने, नदी, बहुत कुछ देखा। और फिर बिल्लियों ने जहाज में बैठकर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने चलते चलते एक रंग बिरंगा शहर देखा। बिल्लियों को वो शहर बहुत अच्छा लगा और सभी कहने लगे, अरे कितना रंग बिरंगा सुंदर शहर है, इस शहर में तो जरूर घूमना चाहिए। पर जहाज के सरदार ने कहा, हाँ हाँ जरूर घूमेंगे, पर एक आपको शर्त का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि आप सभी लोग इस शहर में घूमकर शाम को इस जहाज में समय से वापस आ जाना। फिर उन्होंने कहा ठीक है। वो उस रंग बिरंगे शहर में घूमने के लिए चली गई। वहां उन्होंने बहुत कुछ देखा, वो शहर बहुत ही सुंदर लगा। फिर उन्होंने वो सब बिल्लियां मिलकर एक सर्कस में गई। सर्कस में उन्होंने बहुत सारे जानवर देखे। देखो ये क्या है, ये है हमारा बंदर। तो बंदर ने सर्कस में सबको दिखाया, नाच तरा देखो ऐसे। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा एक शेर। वो शेर को देखकर डर गई। और उसके बाद उन्होंने देखा एक घोड़ा। घोड़े ने बहुत सुंदर करतब दिखाए, पर उसमें से एक छोटी सी बिल्ली सोचने लगी, मेरे बहुत सारे दोस्त घर पर रह गए, अब मैं क्या करूं, चलो मैं बाजार जाती हूं और उनके लिए कोई तोहफा लाती हूं। वो बिल्ली कहां चली गई, बाजार चली गई। बाजार जाकर उसने बहुत सारी दुकानें देखी, वहां पर कहीं मिठाई की दुकान थी, कहीं कपड़े की, और कहीं पे घर पर सजाने का सामान था और कहीं खेल का सामान। तो छोटी बिल्ली ने सोचा सबके लिए खिलौने ही लेने चाहिए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे मित्रों को खिलौने बहुत अच्छे लगेंगे,
आप लोगों को भी खिलौने अच्छे लगते हैं ना बच्चों, ऐसे ही उन्हें भी खिलौने बहुत अच्छे लगेंगे। पर जैसे ही वो खिलौने की दुकान के अंदर गई, उसने पीछे से कोई आवाज सुनी। वो आवाज किसकी थी? वो आवाज थी एक बड़े से कुत्ते की। कुत्ता दबे पांव उसकी तरफ आ रहा था। उसने देखा, जैसे ही उसने देखा वो डर गई, उसकी जान निकल गई। उसने सोचा यहां से तो भागने में ही फायदा है, और नहीं तो ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। वो फटाफट फटाफट भागने लगी, और भागते भागते कहां पहुंच गई? भागते भागते अपने जहाज में, और जहाज में जाकर बैठ गई। और उसने सोचा कि अच्छा है, मैं समय से पहुंच गई। और फिर वो बिल्लियां दोबारा से एक नए देश की यात्रा पर निकल गई। अच्छी थी ना कहानी?